हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मोटिवेशनल मंडे। आज हम बात करेंगे सब में आने वाले सीरियल तारक मेहता के उल्टा चश्मा। जी नहीं, ये कोई सीरियल के बारे में हमने एनालिसिस नहीं करना, यहाँ से हम कुछ मोटिवेशनल ही निकाल रहे हैं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक गुजराती राइटर तारक मेहता ने लिखा था, जिनका कहना था उल्टा चश्मा यानी कि चश्मे को बदल के देखिए। अगर हम हरा चश्मा लगाएंगे तो हमें सारी चीज़ें हरी दिखेंगी, वहीं अगर हमने लाल रंग का चश्मा लगा लिया चीज़ें लाल हो जाएंगी, चीज़ें तो वही थी, और अगर हमने चश्मा निकाला तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअल कलर क्या था उस रंग चीज़ का, ना वो हरा था ना वो लाल, निकला तो शायद पीला। तो बात यही है कि जैसे हम देखते हैं दुनिया वैसी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हम जो देख रहे हैं हम सही देख रहे हैं। थोड़ा रुक के उस चीज़ को हम दोबारा देखें, थोड़ा नज़रिए को बदल के देखें, तो चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है। हम बहुत आसानी से जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, वो ऐसा वो वैसा, इसने ये किया उसने वो किया। कभी हम सोचते नहीं है किया तो क्यों किया, ऐसा तो क्यों ऐसा। ज़रूर उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा, शायद उसके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हो, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते और बहुत जल्दी अपना जजमेंट दे देते हैं। सिर्फ हम जजमेंट दे के नहीं रुक जाते, हम चार लोगों में बोलते भी हैं बताते भी हैं, अरे ये तो ऐसी, अरे वो तो वैसी। बहुत आसान है, बट थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए। अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, उसको समझने के लिए सुनिए। आजकल के बिजी टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि रुक के दो पल सोच ले, समझ ले कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अभी तो सामने वाला बोलना ख़त्म नहीं करता, हमारा जवाब तैयार होता है, हमें जवाब देने के लिए सुनते हैं, सोचने समझने के लिए नहीं। तो आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, दो पल रुके, अगर कोई कुछ कह रहा है कुछ कर रहा है तो उसके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करें, एकदम से जजमेंटल ना हो जाए। समय दे हर एक चीज़ को, हर एक रिश्तों को, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़े से नज़रिए की बात। थोड़ा सा नज़रिया बदलेंगे दुनिया बदल जाएगी। कोशिश करें, फेल होते हैं, नहीं हो पाता, प्लीज़ आइए बात कीजिए मुझसे, रास्ता निकालेंगे। रिश्ते अनमोल है, सहज के रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नज़रिया बदले दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू।